स्वागतम यमुने This is the most sacred place in all of India for all of us Indians. I was born in India. I grew up in the United States. I came to Vrindavan to understand my roots better and connect with my culture better. I came here to ask Mother Yamuna for her blessings because I will play her role in my next dance to show her personality. When I came to Vrindavan, I was like, okay, let's go take a bath in the Yamuna. And I heard some devotees tell me, don't go there. ये जो गाय है हमें अभी पता चला है कि किसी किसान भाई ने आके अभी बताया कि यमुना जी का विषैला पानी पीकर मुझे यहाँ पे दर्द है और बुखार है मुझे टाइफाइड है चाइल्ड मोर्टैलिटी एंड इन्फेंट मोर्टैलिटी इज हाई बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन हम चलना चाहेंगे क्योंकि हमारी यमुना जी कैदी बनी हुई है यमुना जी हमारी माँ है उनको लाने के लिए हमको अपनी जान भी देनी पड़े तो What you're seeing here is a dead river, is the sewage of Delhi, and that's about it. There's nothing more to it. बता रहा पैसे मिलते हैं और डेड बॉडी मिलता है उसे निकाल के बाहर कर देता है आदमी आते बताने तो ये शुद्ध पानी है जितना भी गंदा हो शुद्ध पानी है So here we are, the grand old river of India, completely dry, bone dry. It's like the river is completely stolen. The future of our country is in darkness. मैं जल यहाँ से जरूर लेके जाऊंगी क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि सच में यमुना जी ब्रज में नहीं है बहुत लोगों ने ये भी नहीं देखा है कि यमुना जी का असली जल क्या है ठाकुर जी से भी प्रेयर करूंगी राधा रानी से प्रेयर करूंगी यमुना जी से प्रेयर करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी ब्रज में आएं